अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ईजस डेटा रिकवरी टूल को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फ्री में आप इसको किस तरह क्रैक करके लाइफ टाइम जो है इसके प्रो वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो फाइल्स हैं उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद ये इस तरह का एक आपको सॉरी ये वाला एक फोल्डर आएगा। ठीक है, ये वाला सही है। तो इसको ओपन करने से पहले आप लोगों ने एक तो जो है विंडोज़ सिक्योरिटी को ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करेंगे तो इसको आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन और टेम्पर प्रोटेक्शन वगैरह को यहाँ से मैनेज सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से ये आप लोगों ने इसको बंद कर देना है। ठीक है, इसको बंद करने के बाद आपने अपने अगर आपका कंप्यूटर इसके साथ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो उसको भी डिसकनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखेंगे ये आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले इसको रन एज एडमिन कर देना है। और यहाँ से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लें, मैं यहाँ से फर्ज़ किया जी के अंदर इंस्टॉल करता हूँ, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद इसके दोनों को अनचेक करके आपने इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपका ये बंद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आना है, इसको रन एज एडमिन कर देना है। ठीक है, ये इंटर हो गई। उसके बाद फिर इधर आना है, इसको भी रन एज एडमिन कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है, और आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमने ईजस डेटा रिकवरी को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, यानी कि उसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पर जाना है। तो मैंने जी के अंदर इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पर देखें प्रोग्राम फाइल्स और ये ईजस, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ठीक है, वो ये लें जी, ये हो गया एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेटेड है, इसको यहाँ से बंद करना है, इसको भी बंद करना है। ठीक है, और यहाँ से जाके अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको बेशक कैंसिल कर दें अपडेट्स को। तो लें जनाब, ये हो गया हमारा जो है ना लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ज़रिए से आप कोई भी जो है यहाँ से अपना अनलिमिटेड डेटा जो है जितना मर्ज़ी पुराना हो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ हम इंशाल्लाह इस अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।